वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये रहा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड पपेट वार्प टूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को बताऊंगा किसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ मैंने आर्टवर्क बनाया है और कुछ अगर इसमें और थोड़ी सी कमी वैसी है तो इसको मैं पूरा करता हूँ जस्ट। ठीक है, और थोड़ी सी और इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ और इसको भी थोड़ी सी राउंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी के लिए ही समझ लो यही है। अब मैं इस पे समझाऊंगा आपको कि वो इसको कैसे यूज करते हैं, आई मीन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ मैंने इसको साइड किया। अब मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को लेता हूं और जस्ट ये समझ लीजिए कि इसको अभी ऊपर करता हूँ। ठीक है, मैंने ही पपेट वार का बारे में बता दिया। ठीक है, तो जस्ट अभी मैं एक बॉक्स लेता हूँ और ये बॉक्स अभी इसको मैं आउटलाइन में लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन में थोड़ी बोल्ड करता हूँ, लगभग 1 पॉइंट के करीब। ठीक है, तो अभी के लिए आप यहाँ से देखें सिलेक्शन टूल है। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल से आप इसको छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटा बड़ा करते हैं, शिफ्ट दबाएंगे तो ये चारों तरफ की पोजीशन यानी सेम ये छोटा होगा। ठीक है, अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये दबेगा और ऊपर से भी दबेगा, साइड से भी दबेगा। ठीक है, तो सेम वही पोजीशन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो अभी मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को इसको मैं लेता हूँ और ये देखें पॉपेट कुछ पॉपअप दे दिया, यानी इसका पैनल इस पे शो करके दे दिया। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सिलेक्शन टूल का काम जैसे करता था वैसे ये टूल फ्री ट्रांसफॉर्म सेम वैसे ही करेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखें मैंने शिफ्ट नहीं दबाया है और ये ऐसे वैसे ही काम कर रहा है, सिर्फ माउस के लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखे दब भी रहा है, ऊपर से भी दब रहा है। मैं सिर्फ एक कॉर्नर से राइट टॉप कॉर्नर से मैंने दबाया और ये देखें कहीं से भी दबाएंगे। ठीक है, पोजीशन वही होगा। और यहाँ पे देखें कॉन्स्ट्रेन ये क्या चीज दिया है, इसका मतलब ये है कि आप इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो लॉक जब कर देंगे तो इसको जब दबाएंगे तो ये देखें मतलब ये कि ना तो ये ऊपर से दबेगा ना तो ये साइड से दबेगा। ठीक है, और इसकी चारों भुजाएं बराबर ये छोटा होते हुए चला जाएगा, चाहे आप इधर से दबाएं। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट लेके जा रहा है। ठीक है, चाहे इधर से दबाएं, देखें ना तो इधर से दब रहा है ना तो ऊपर से दब रहा है। ठीक है, सेम वही पोजीशन पे लेके जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्स्टेंट ऑन कर दिया था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट का मतलब समझ गए कि जैसे सिलेक्शन टूल से मैं काम करता था, तो जैसे मैं इसको पकड़ के और ये सिलेक्शन मान लो ये सिलेक्शन से मैं काम कर रहा हूँ तो ये देखें ये चीज दब रहा है और ऊपर से भी दब रहा है। ठीक है, तो इसको मैं साइड करता हूँ और इसको एक
और कॉपी लेता हूँ और फ्री ट्रांसफार्म टूल को यानी इस वाले टूल्स को मैं इस पे यूज करता हूँ। देखें मतलब जो चीज सिलेक्शन का काम बिना शिफ्ट दबाए ये इधर से भी दबता था और ऊपर से भी दबता था जब ऐसे दबाने पर, ठीक है, तो वही पोजीशन फ्री ट्रांसफार्म टूल में भी दे रखा है। लेकिन इसके ऊपर कॉन्स्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये चारों भुजाएं को बराबर शेप में ले जाएगा, ना तो दबाएगा ना तो खींचेगा, ठीक है। मतलब ये कि आप इस वाले में सिलेक्शन वाले टूल्स में शिफ्ट दबाते हैं तो ये दबता नहीं, यानी कि ये वाला पोजीशन जब शिफ्ट दबाएंगे तो ये उसी पोजीशन में छोटा करेगा, ठीक है। और इस वाले में फ्री ट्रांसफॉर्म और इसमें कॉन्स्टेंट कर देंगे तो सेम जो शिफ्ट इसमें दबाते थे वही चीज इसमें कॉन्स्टेंट कर देंगे तो ये, मतलब ये देखिए कॉन्स्टेंट किया और ये देखिए ना तो इधर से दब रहा है ना तो इधर से दबेगा, ठीक है। तो मतलब एक सिलेक्शन में आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा और कॉन्स्टेंट में फ्री ट्रांसफॉर्म में आपको कॉन्स्टेंट क्लिक करना पड़ेगा तब जाके ये बराबर शेप में ये छोटा बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके नीचे और आ जाता हूँ। मान लो ये मैंने ऑन किया, अब इसके नीचे है परफेक्टिंग डिस्टॉर्ट। ये क्या चीज है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो दोनों टूल है सिर्फ है ये वाली परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट, इसमें कॉन्स्टेंट नहीं दिया है, ठीक है। और फ्री डिस्टॉर्ट में इसमें कॉन्स्टेंट दे रखा है, यानी इसमें लॉक करके आप छोटा बड़ा करेंगे तो ये ना तो साइड से दबेगा ना तो ऊपर से दबेगा। मतलब जो चीज फ्री ट्रांसफॉर्म में काम करता था वही चीज फ्री डिस्टॉर्ट में भी काम करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले टूल्स में मैं जाता हूँ, परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट, इसको मैं क्लिक किया। अब मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ तो ये देखें मैं इसको लेफ्ट साइड दबाऊंगा तो ये देखें ये ऐसे दबाएगा, ठीक है। और नीचे मुखी करेंगे तो ये नीचे वाला पोजीशन को ये दबाएगा, ठीक है। अगर शिफ्ट दबाएंगे और क्लिक करेंगे तभी वही पोजीशन काम करेगा, ठीक है। अगर अल्ट दबाएंगे तभी वही काम करेगा, ठीक है। और इसका उपयोग और भी ऑप्शन है, जैसे मान चलो कि इसको साइड करता हूँ और यही वाला आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ और फिल कलर में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको पकड़ के और इसको कॉपी करता हूँ, अल्ट और शिफ्ट कॉपी कर लिया और इसी को पकड़ के कंट्रोल डी एक और ले लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ से मैं सिर्फ फ्री ट्रांसफॉर्म को यानी कि ये वाला फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक किया और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ये देखें ये दब रहा है और ये साइड से भी दब रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अनलॉक कर देंगे, यानी कंट्रोल जेड मारता हूँ और अनलॉक करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटा, ठीक है। अब मैं इसको एक और कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट यानी हमें हॉरिजेंटल में लेने हैं, हॉरिजेंटल, ओके, ठीक है। अब इसको मैं पकड़ता हूँ और इसमें फिर जाता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म में और ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल मैंने पकड़ा और इसको और छोटा करता हूँ तो ये देखे अभी दब रहा है तो इसको मैं कॉन्स्टेंट कर देता हूँ,
सिलेक्शन में आपको शिफ्ट दबाएंगे तो ये काम करेगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब ये दबाएगा नहीं और ऊपर से भी नहीं दबाएगा, ठीक है। फ्री ट्रांसफार्म में कॉन्स्टेंट का काम करता है और सिलेक्शन में शिफ्ट का काम करता है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म में आपको कॉन्स्टेंट दबाना पड़ेगा, ठीक है, और सिलेक्शन में शिफ्ट दबा करके आप काम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको और छोटा करता हूँ, तो इसको मैं कॉन्स्टेंट करता हूँ और यहाँ से छोटा करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर करता हूँ। ये देखें पूरी सिलेक्शन के ही जैसा काम कर रहा है ये। तो मैं इसको पकड़ता हूँ और एक और कॉपी लेता हूँ अल्ट और शिफ्ट दबा करके, ठीक है, इसको साइड करता हूँ और एक और कॉपी करता हूँ, ठीक है, और फिर एक और कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी मार दिया, फिर इसको पकड़ के और फिर इसमें गया फ्री ट्रांसफॉर्म और इसको कॉन्स्टेंट करके, और यही वाला टूल्स मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म को पकड़ा और छोटा कर दिया और इसको ऊपर, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्शन में लेता हूँ, इसको इसको मैं अब पूरी को सेलेक्ट करके अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में मैं ये वाला टूल्स यानी कि परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल, ये वाले टूल्स में क्लिक करता हूँ और ऊपर से मैं दबाता हूँ, ये देखें, ठीक है, मैं ये नीचे वाला पोजीशन, ना तो मैंने शिफ्ट दबाया ना कुछ, और इसमें शिफ्ट का ऑप्शन नहीं दिया है ना तो कॉन्स्टेंट, इसमें मतलब शिफ्ट का काम करता है तो सिर्फ फ्री ट्रांसफॉर्म और फ्री डिस्टॉर्ट इसमें काम करता है कॉन्स्टेंट का, ठीक है। जैसे सिलेक्शन में आपको शिफ्ट का काम करता है वैसे फ्री ट्रांसफॉर्म में कॉन्स्टेंट का काम करता है और डिस्टॉर्ट में भी कॉन्स्टेंट का काम करता है, लेकिन पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट में इसमें आपको कॉन्स्टेंट का काम नहीं करता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट का मतलब कि ये लॉक पोजीशन है, ठीक है, ये लॉक पोजीशन है कि ये ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता है और उसी शेप में उसको रिसाइज करता है, ठीक है। तो मैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट को कैप्चर करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ, फैलाना मतलब स्ट्रेच, और ऊपर वाला थोड़ी सी मैं दबा देता हूँ, थोड़ी सी दबा दिया, इसको मैं सिलेक्शन से पकड़ के साइड कर दिया, ठीक है। अब यहीं पे मैं फिर जाऊंगा और यही वाला टूल्स पकड़ के और इसको मैं शिफ्ट अल्ट दबाऊंगा सिर्फ और नीचे करूंगा तो ये देखें, मतलब ये इसमें या फिर अल्ट दबाएं या फिर ना दबाएं, कुछ भी ना दबाएं तभी वही काम करेगा, ये देखें कितना अच्छा काम कर रहा है। इसको भी दबा लें, ये देखें, ठीक है, और इधर से भी काम करेगा, इसको राउंड कर देगा, ठीक है, ये देखें राउंड भी कर देगा और फ्री ट्रांसफॉर्म में भी ये राउंड करता है, ये देखें, ठीक है। और पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट्स में आप किसी भी कोने से दबाएंगे तो जिस कोने से अगर दबाएंगे या टॉप से दबाएंगे हॉरिजेंटल में, ठीक है, मान लीजिए हॉरिजेंटल में हम ले रहे हैं तो ये नीचे वाला हॉरिजेंटल पोजीशन को ये दबाएगा, ठीक है। वर्टिकल में अगर मान लीजिए लेंगे, ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक करके तो ये वर्टिकल में दबाएगा दोनों पोजीशन को, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं और ये यहाँ देखें फ्री डिस्टॉर्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब इसी में मैं इसका भी प्रयोग कर देता हूँ,
इसको देखें, मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ और पूरी मैंने कंट्रोल जेड मार दिया और दोबारा मैं इसमें गया और फिर डिस्टॉर्ट, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं उसी का ही काम करता हूँ। ये देखें तो ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन यानी दूसरे कॉर्नर पर ले जा रहा है, यानी कि ये दूसरा पोजीशन नहीं दबा रहा है, सिर्फ एक ही पोजीशन दबाएगा। मतलब चार पोजीशन है, उसमें से एक ही पोजीशन से अगर सेलेक्ट कर जो जो पोजीशन अगर कैप्चर करके आप दबाएंगे, सिर्फ उसी को ही दबाएगा ये डिस्टॉर्ट, ठीक है। और इसमें क्या था, परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट में ये अगर एक कॉर्नर पकड़ते थे तो दोनों दबाता था, ठीक है। ये देखें, ये भी उसी शेप में जा रहा है और ये भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्टॉर्ट में आपको सिर्फ एक ही पोजीशन दबाएगा, दूसरे पोजीशन की तरफ ये घींच के लेके जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। आप इसमें चाहे शिफ्ट दबाएं चाहे अल्ट दबाएं, बात एक ही है। मतलब ये अभी देखें हम अल्ट दबा रहे हैं तो ये देखें इसका दूसरा पोजीशन उसके सामने वाला भी उठा दे रहा है। मैं इसको दबा करके कर रहा हूँ तो ये देखें, मैं इसको दबाऊंगा अल्ट दबा करके तो ये देखें, मतलब ये इसको अगर हम दबाएंगे तो वो भी दबेगा, ठीक है, और इसको दबाएंगे तो ये भी दबेगा, ठीक है, और शिफ्ट दबाएंगे सिर्फ वही वाला ही दबेगा। चलिए हम ये वाला मैंने पोजीशन नहीं बताया था परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट में, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। इसमें देखता हूँ शिफ्ट काम करता है कि नहीं, तो आप देखें ये शिफ्ट अगर दबाएंगे या फिर नहीं दबाएंगे तभी वही काम करेगा, लेकिन अगर अल्ट दबाएंगे तभी वही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देख लें तभी वही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्टॉर्ट में आप एक पोजीशन को पकड़ के अगर वैसे दबाएंगे तो ये दूसरे पोजीशन में जाएगा, लेकिन वो सिर्फ वही पोजीशन ही जाएगा। अगर यहाँ शिफ्ट दबाएंगे तभी वही काम करेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका अल्ट काम करता है। इसको अल्ट दबा करके इसको दबाएंगे तो ये देखें उसके सामने वाला यानी ये वाला पोजीशन दबा रहा है, ठीक है। इसको हम दोबारा दबाता हूँ अल्ट दबा करके तो ये देखें इसको भी दबा रहा है, और नीचे से मान लीजिए हम कर रहे हैं तो ये अल्ट दबाएंगे तो ये पकड़ के ऊपर नीचे करेगा। ये देखें यहाँ से वही पोजीशन रोटेट ऑप्शन सारे में दिया रहता है। फिर इसको मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये देखें दूसरे पोजीशन पे ले जा रहा है। मतलब ये कि आपको इसको मैंने सेलेक्ट किया और आपको आपको इसमें फ्री ट्रांसफॉर्म में मान लीजिए इसमें हमने पकड़ा और इसमें मैं अल्ट दबाता हूँ तो ये देखें मतलब दोनों साइड ये दबा रहा है, ठीक है। अगर इसमें हमने शिफ्ट भी दबा दिया तो इसमें देखें इसमें शिफ्ट काम कर रहा है, ठीक है। और जो चीज ये वाला पोजीशन था वही काम ये भी करेगा, ये देखें, लेकिन ये ऊपर से दबाएगा जरूर, लेकिन ये दूसरे कॉर्नर पे लेके जाएगा, ठीक है। इस शेप को बिगाड़ेगा नहीं, जैसे मान लो ये वाला है फ्री ट्रांसफॉर्म और मैंने शिफ्ट दबाया और अल्ट भी दबाया तो ये सेंटर में लेके जा रहा है पोजीशन को, ये ऑब्जेक्ट को मतलब बिखेरेगा नहीं, ठीक है, लेकिन सेंटर में लेके जाएगा। और अगर कॉन्स्टेंट में कर देंगे और अल्ट शिफ्ट भी दबाएंगे तो देखें वही वाला पोजीशन है सेम,
ठीक है, या शिफ्ट दबाएं या फिर कांस्टेंट कर दें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें अल्ट दबाएंगे जब, तो ये देखें, अल्ट दबाएंगे तभी वही पोजीशन बताएगा, सेंटर में लेके जाएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट में है, इसको मैं हटा दूंगा तो इसमें अल्ट का काम, ये देखें, नहीं काम करेगा। ये देखें, इसमें शिफ्ट अगर दबाएंगे तो सिर्फ शिफ्ट का काम करेगा, एक ही साइड में ही लेके जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपको फ्री ट्रांसफॉर्म में इसमें शिफ्ट तभी काम करेगा, अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो ये सेंटर में लेके जाएगा, मतलब अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो ये सेंटर में लेके जाएगा, या फिर इसको कांस्टेंट में कर देंगे और अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तब भी ये सेंटर में जाएगा, ठीक है, या फिर अल्ट नहीं दबा करके और शिफ्ट दबाएंगे तो ये देखें नीचे में की लेके जा रहे हैं, और शिफ्ट भी नहीं दबाएंगे इसको तब भी वो नीचे लेके जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें अल्ट का काम करेगा सिर्फ, मान लो इसको मैं नीचे से ऊपर ले गया, ठीक है, हॉरिजेंटल में, तो ये ऐसे काम कर रहा है अभी है। तो इसमें अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो इसमें काम नहीं करेगा, सिर्फ अल्ट का काम करेगा, ये देखो थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी और दबाता हूँ तो ये देखें, तो खैर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मान लो कुछ टाइल्स वगैरह बनाना हो तो इसको मैं यहाँ से ये वाली परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट को पकड़ूंगा और इसको मैं फैला दूंगा, इसको भी फैला दूंगा, मान लो इसको कम करना हो, ठीक है। तो इसका काम बहुत अच्छा है, आप फाइल में कुछ काम करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरा टूल्स है इसमें पपेट वार्प, ठीक है, पपेट वार्प है टूल। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने से पहले पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके पहले हैंड को ही सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पपेट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखें कुछ मैश टूल जैसा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये हमें इंडिकेट करता है कि आप ऐसे घुमाएंगे और ऐसे घुमाएंगे, यहां से सिलेक्ट करके, ये देखिए कुछ सर्कल दे रहा है, ये देखें, और ये सर्कल का पोजीशन ये हमें बताता है कि आप यहाँ से अगर एक जगह से आप सेलेक्ट करके रखेंगे तो दूसरे पोजीशन को घुमाने में ये आपके इस पोजीशन से पहले वाला पोजीशन उसको घुमाएगा नहीं, ठीक है। मतलब है कि ये स्टॉप करके रखेगा आपके पोजीशन को, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पोजीशन मैं देखता हूँ और यहाँ से मैं घुमाता हूँ तो ये देखिए थोड़ी सी राउंड कर रहा है हाथों में, ठीक है, ये देखें। अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से और इतना दूर ना हिले, सिर्फ ये इतना दूर ही हिले, ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको पकड़ के घुमाता हूँ तो ये देखें ये काम कर रहा है बहुत अच्छा, ठीक है। अगर मैं इसको पकड़ के घुमाऊंगा तो ये देखें इस वाले सर्कल को, तो सिर्फ उसी को ही घुमा रहा है, ये देखें, माउस क्लिक लेफ्ट साइड से, ठीक है। और इसमें आप अल्ट दबाएंगे तो यहाँ देखें कुछ पिन टाइप का कर्सर पे आ रहा है, बात तो एक ही है, चाहे दबाएं वैसे चाहे ना दबाएं, शिफ्ट दबाऊंगा तो ये पकड़ के बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ देखें शिफ्ट अगर दबाएंगे तो ये देखें कर्सर पे मेरे पे आ रहा है पिन टाइप, इसको पकड़ के आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अल्ट दबाएंगे तभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें अल्ट दबाएंगे तो ये एक और वहां पे
एंकर मतलब एक तरह से पोजीशन खड़ा कर देगा, मतलब स्टैंड खड़ा कर देगा कि यहाँ से ये चीज नहीं मुड़ेगा, सिर्फ वहीं पे ये इसको रोक देगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप अल्ट न दबाएं। ठीक है, अगर अल्ट दबाएंगे, मान लीजिए अल्ट भी न दबाएं तभी कहीं पे क्लिक करेंगे तो वो पोजीशन को स्टॉप करने के लिए ये वहां पे एक डंडा खड़ा कर देगा। डंडा डंडा मैंने बोल दिया। और ये रहा सेंटर पॉइंट, इसमें मैंने क्लिक किया, आप यहां से भी घुमा सकते हैं, ये देखें यहां से भी कर सकते हैं। और इसको मैं बाहर क्लिक करता हूँ और इसको मैं पकड़ के और दोबारा मैं उसे में जाता हूँ और इसको मैं थोड़ी सी घुमा देता हूँ। ठीक है, और एक पोजीशन और के यहाँ मैं क्लिक किया और इसको थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ी सी राउंड कर देता हूँ। चलिए, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, और पैर में आया है, पैर में देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। पॉपेट बार सेलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ी सी राउंड कर देता हूँ। इसको नहीं करके हमें यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं थोड़ी सी राउंड, इसको राउंड ना करके आप इस वाले पोजीशन को थोड़ी सी बढ़ा दें ऐसे। ठीक है, और एक और एंकर पॉइंट यहाँ से बनाए, मान लो यहाँ पे बना बना ले पोजीशन, इसको थोड़ी सी इस साइड कर दे। ठीक है, हो गया। अब ये भी पोजीशन थोड़ी सी कर दे परफेक्ट, और 20 से सिलेक्ट कर ले और एक यहाँ सेलेक्ट कर ले और ये यहाँ से थोड़ी सी आगे कर लें। बन गया आपका, यहाँ से पकड़ के बिना कुछ दबाए थोड़ी सी इसको घुमा दें और ये पोजीशन देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैं पकड़ता हूँ और दोनों को पकड़ के अगर पकड़ता हूँ तो ये देखें, दोनों को सेलेक्ट करके पॉपेट में ये कन्वर्ट ही करेगा, मतलब काम करेगा। चाहे यहाँ क्लिक करें चाहे यहाँ क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया इसको घुमाऊंगा, ये देखो पूरा घूम रहा है। ठीक है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे उस हिसाब से घूमेगा, ये छोटा है तो ये पूरा घूम जा रहा है थोड़ा बहुत। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको और जूम करता हूँ, एक और पोजिशन यहाँ पे स्टैंड कर देता हूँ और ये वाला पोजिशन में थोड़ी सी बढ़ा के बिना कुछ दबाए यहाँ से मैं ऐसे घुमा दूंगा। अब यहाँ देखें एक चीज और ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर सर्कल के बाहर अगर कहीं क्लिक करने के लिए ऑप्शन देगा तो यहाँ पे देखें माउस के कर्सर पे, देखें माउस के कर्सर पे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन माउस के कर्सर पे आपको प्लस टाइप का निशान दे रहा है, मतलब ये कि आप यहाँ पे और भी यहाँ पे सर्कल स्टैंड करने के लिए ऑप्शन देगा और भी ऐड कर सकते हैं, तो ये पोजीशन दे दे रहा है। लेकिन अगर इस सर्कल पे लेके जाएंगे, एक तरह एंकर पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, तो ये सर्कल के अंदर ले जाएंगे तो ये आपको राउंडेड का यानी कि रोटेट का ऑप्शन देगा। ये देखें, इसको पकड़ेंगे और ये देखें घुमाने के लिए ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मतलब ये कि ये चीज हमें इंडिकेट कर रहा है रोटेट का ऑप्शन। अगर हम कर्सर के बाहर जाएंगे तो ये देखें प्लस का निशान, यानी यहाँ पे और में एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए पोजीशन या पिन ऑप्शन इंडिकेट मुझे कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से करना। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी एक एंकर पॉइंट, हम एक तरह एंकर पॉइंट इसको समझ रहे हैं, एक तरह से लाठी खड़ा करना या डंडा गाड़ देना। तो ये चीज यहाँ पे वो ऑप्शन है कि वो उस चीज को कैप्चर करके रखता है उस एरिया को, कि वो एरिया हिले डुले ना, ये वो चीज है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस मान लो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यही टूल्स मैंने ये देखे, अगर इस पे लेके जाएंगे तो ये देखें, ये भी चीज वही ऑप्शन है, एक तरह एंकर पॉइंट है समझिए, ठीक है। ये देखें, इधर से भी घिंचा रखा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से भी, इधर से भी, मतलब उस एरिया को ये जकड़ के रखा है ताकि ये हिले ना, बाकी हिले डुले कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये इतना एरिया ये इसका हो गया, ये पोजीशन है। अगर मान लो हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस वाले पोजीशन को मैं घुमाता हूँ, मान लो यहाँ पे क्लिक, जस्ट इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखे रोटेट इस पे आ गया, और इसको मैं पकड़ के घुमाऊंगा तो सिर्फ इसके एरिया से, और ये देखे मेश टूल हमें दे रहा है, मेश टूल हमें सिर्फ लाइव दिखा रहा है, ठीक है, आउटलाइन की तरह, और ये इतना दूर नहीं घुमा रहा है, बाकी यही एरिया घुमा रहा है। तो ये चीज है आपका, समझ लीजिए पपेट वार्प। और पपेट वार्प को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे यूज में इसको ले सकते हैं, जो इसको घुमा सकते हैं बिना कुछ किए, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, पपेट बार का टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऊपर करता हूँ और ये वाला मैंने पहले वाले टूल्स में बताया था, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कमाल करता हूँ, तो इसमें मैंने यहाँ गया और इसमें थोड़ी सी घुमा रहा हूँ, ये देखे तो पूरा ये थोड़ी बहुत घूम रहा है, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन को मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ, ये देखें बीच से ये राउंडेड करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको घुमाता हूँ, तो सिर्फ ये वाला पोजीशन घुमाएगा, ये देखें। तो ये होता है आपका पपेट वार्प टूल, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप फ्री ट्रांसफॉर्म पपेट वार्प टूल समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में कुछ कमी बेसी हो तो कमेंट करना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।